और बड़ी खबर है, एमपी के खरगोन में बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुल से नीचे गिर गई यात्रियों से भरी बस। बस में सवार थे करीब 70 से 80 लोग। मध्य प्रदेश में डोंगर गांव के पास ये बड़ा हादसा हो गया। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। शिखंडी से इंदौर जा रही थी ये बस, लेकिन बीच में खरगोन के दसंगा गांव में यह हादसा हुआ। शुभम गुप्ता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, बड़ा हादसा हुआ है, अभी वहां क्या परिस्थिति है? देखिए निधि, वाकई में ये बेहद बड़ा हादसा है और जो शुरुआती जानकारी आई है, 70 से 80 लोग इस बस में सवार थे। अभी कुछ देर पहले ही खरगोन कलेक्टर से भी हमने फोन पर बातचीत की है। कलेक्टर, SP सभी मौके पर पहुंचे हैं। नंबर तो नहीं बता पाए हैं क्योंकि अभी तक काउंटिंग ऐसी नहीं हुई है, मगर कुछ डेथ्स का उन्होंने जिक्र जरूर किया है कि कुछ मौतें जरूर हुई है। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो अनुमानित अगर लोगों की बात करें, जो लोग वहां पर थे, 10 से 12 मौतों का जिक्र लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जो घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शुभम, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले ये सूचना स्थानीय लोगों को ही लगी। जैसे ही बस गिरी, कुछ लोग वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद जो आसपास के ग्रामीण हैं वो उस मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वहां पर पुलिस पहुंची, तब तक ग्रामीण ही इन लोगों को निकाल रहे हैं। जो भीड़ आप देख रहे हैं ये ग्रामीणों की ही है, जो इन घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, नजर बना के रखिए। तो पुल के नीचे यात्रियों से भरी बस गिर गई, दर्दनाक हादसा खरगोन में हुआ।